But we understand ki this life now, it is very miraculous. The day you change, I understand ki ab aapko kya lag raha hai, aapke question ka jo tatpariya ye hai कि अभी ना मेरे अराउंड की जो बाउंड्रीज हैं, मेरे अराउंड के जो वॉल्स हैं, वो इतने थिक और इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि मैंने अभी तक तो प्रोटेस्ट नहीं किया, अब मैं सडनली कैसे प्रोटेस्ट करूं, राइट? बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड इज वेरी मिरेकुलस. जिस दिन आप अपनी आइडेंटिटी रियलाइज करोगे, यू स्टार्ट डिफेंडिंग योर सेल्फ, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, ऑनरिंग योर सेल्फ, यू विल बी सरप्राइज कि आपके आसपास की सारी सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए. You don't have to do anything. जैसे मेरी एक client थी in Singapore, वो बहुत साल से एक bank में काम कर रही थी. तो उसके जो manager था, he was very abusive. वो कहती थी कि I don't know what to do about the manager. I said, see, तुम्हारे पास ये तो power नहीं है कि manager को हटाओ. And it was a very high paying job. So she couldn't just leave it also. So I said कि डेफिनेटली यू कैन नॉट चेंज द मैनेजर, बिकॉज लाइफ में जितनी भी चेंजेस हैं, दे कुड बी मेड ओनली विद इन यू. सो आई सेड व्हाट यू डू इज यू चेंज योर सेल्फ. हो आप अपने आप को अंदर से बदलो, दैट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू एनी ऑफ हिज नेगेटिव अब्यूज. व्हेनेवर ही ट्राइज टू टेल मी एनीथिंग वेरी सरकास्टिक और एनीथिंग दैट मेक्स मी फील डाउन, आई एम गोइंग टू टेल कि सर इट इज बेटर इफ यू पुट इट इन अनदर वे. सो आई सेड यू कैरी योर जॉब इन योर हैंड, चला जाएगा ना, चला जाएगा, आई ट्रस्ट गॉड. बिकॉज शी सेड कि इतना अच्छा बैंक नहीं है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब, और मेरी एज इतनी हो चुकी है कि अगर मैं अब जॉब छोड़ती हूँ, इट इज नॉट ईजी टू गेट अनदर जॉब. ऐसे ये सब डिपेंडेंसी तुम्हारे माइंड की है. तुम माइंड की डिपेंडेंसी हटाओ और सोचो कि नो, आई एम गोइंग टू डू वॉट इज राइट फॉर माई सोल. सो शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट. शी सेड जो भी होगा, आई लव दिस जॉब, I definitely don't want to lose it. I love this job, but for my sake of my identity, I refuse to allow him to criticize me, to abuse me, to insult me in front of others, to speak to me in a manner which is not right. When she started behaving like this, it was very surprising that the boss only got transferred. The boss transferred her. So suddenly she called me in shock. She said, I can't believe he's got a higher job and he's gone. So miracles happen anytime. You should be ready. क्या हो जाएगा उसमें सिचुएशन में, कोई ऐसी इमरजेंसी आएगी, then you have to fill up that gap, to live that identity. Something will happen. You have to only do your job. Because identity reveal इतनी जल्दी कैसे होगी? ना आपको नॉलेज है, राइट? और यही तो लाइफ है ना, लाइफ थोड़ा गेम जैसा है ना, बुझो तो जाने. ये तो है नहीं कि सबके ऊपर एक ठप्पा है, ये है, ये है, ये है. इट इज हिडन. वो ग्रैंड डिजाइन है ऑफ द कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस डजंट वॉन्ट एवरीबडी टू नो हु दैट पर्सन इज, बिकॉज एज आई सेड, कंस बैठा हुआ कंस. वो आइडेंटिटी को कभी भी कोई अटैक कर सकता है. तो जब तक वो स्ट्रांग नहीं होता, आपको इल्यूजन्स में रखा जाता है, आपको छुपाया जाता है. एंड दिस इज लाइफ, इट इज अबाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ. तभी तो एक पूरे जीवन की जर्नी है सेल्फ रियलाइजेशन. खुद को रियलाइज ही तो करना है, खुद को सेल्फ डेवलपमेंट थोड़ी है. लाइफ की जर्नी इज नॉट सेल्फ डेवलपमेंट, इट इज सेल्फ रियलाइजेशन. यू हैव टू रियलाइज हु यू आर. डेवलप तो अपने आप ही हो जाता है. टुडे यू रियलाइज यू आर वाइब्रेटिंग विद लॉट ऑफ सेल्फ डाउट. सबसे पहले तो खुद को पोसना खुद ही बंद करो. दुनिया तो बाद में आती है. एवरी टाइम यू नो यू आर डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर पुटिंग योर सेल्फ डाउन, यू हैव अ फियर, आई कैन नॉट डू वॉट आई वॉज सपोज टू डू, आई एम नॉट वेयर आई वॉज सपोज टू बी. ऑल द काइंड ऑफ डाउट्स अबाउट योर सेल्फ यू हैव टू रिलीज फर्स्ट. दुनिया को तो बाद में हैंडल कर ही सकते. सबसे पहले व्हाट वी विल डू, यू हैव टू लुक एट द सेल्फ. जब तक आप उसको देखोगे ही नहीं, वो कैसे निकलेगा? सो व्हेन आई एम सेइंग द वर्ड्स, आपको उसको अपने प्रत्यक्ष जिंदगी में देखना है कि मैं खुद को कितना डाउट करता हूँ, खुद को कितना नीचा समझता हूँ, हमेशा दूसरे को फेवर करता हूँ. इसको मिल जाए बस मैं तो ठीक हूँ, इसको मिल जाए, इसको मिल जाए. टुडे आप जो
जो भी कमाते हो आपको लगता है मेरी बीवी खुश हो, मेरे बच्चे खुश हो। अरे जब तक आप खुश ना हो आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। यू हैव टू बी हैप्पी, यू हैव टू एंजॉय दैट मनी, यू हैव टू एंजॉय दैट वेल्थ। टिल यू डोंट बिलीव यू डिजर्व, टिल यू बिलीव दैट अदर्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन यू, नो। पूरी दुनिया शुरू आपसे होती है, बाकी लोग तो आ ही जाते हैं साथ। पहले आप आते हो एवरीथिंग के लिए, आप आते हो। सो टुडे जस्ट सी दैट हाउ मच यू आर डाउटिंग योरसेल्फ, यू आर पुटिंग योरसेल्फ डाउन, यू आर रिजेक्टिंग योरसेल्फ, इंसल्टिंग योरसेल्फ, यू आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू अदर्स सो दैट दे गिव यू द सिक्योरिटी जोन, दे प्रेज यू, इन देयर प्रेजेस यू फाइंड हैप्पीनेस, इन देयर प्रेजेस एंड देयर एप्रिसिएशन यू ट्राई टू फाइंड योर आइडेंटिटी। बट योर आइडेंटिटी इज एक्चुअली नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। वो मेरे को गाली दे या मेरी प्रशंसा करे, मैं तो आई एम। पानी को ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगी, पानी को आइस की ट्रे में डालोगे आइस क्यूब का शेप ले लेगी। वैसे ही आपके अंदर का जो पानी है वो कोई भी शेप ले लेता है एज पर यू। जस्ट एज वॉटर कैन टेक डिफरेंट शेप्स, सिमिलरली योर आइडेंटिटी इज टेकिंग डिफरेंट शेप्स। बट योर आइडेंटिटी विच यू कॉल आत्मा, वो परमात्मा ही है। और ये जो मंत्र है ना ओम पूर्णम, जो अपन ने मंत्र बोला ओम पूर्णम अद, ये पूर्ण है। पूर्णम इदम, मैं भी पूरा हूं। पूर्णम अद पूर्णम इदम, ये नहीं है कि मैं तेरे से बना हूं तो मैं आत्मा हूं, मैं भी पूरा हूं। आप जब आप बच्चे को जन्म देते हो तो बच्चा आपका पार्ट होता है क्या, कि बच्चा उतना ही बड़ा होता है? आपका बच्चा आपका टुकड़ा होता है कि बच्चा उतना ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा होता है? आप भी किसी के बच्चे ही हो। तो आप परमात्मा के अंश हो, तो यू आर नॉट स्मॉलर देन परमात्मा, यू आर परमात्मा हिमसेल्फ। पूर्णम अद पूर्णम इदम पूर्णा पूर्णम उद्यचिते, ये पूर्ण से ही पूर्ण उद्यच हुआ है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय मीन्स पूर्ण से पूर्ण को निकालो या वापस भेजो, पूर्ण पूर्ण ही रहता है। आपका मोक्ष होगा या आप आओगे, यू विल रिमेन पूर्ण, ही विल रिमेन पूर्ण, यू विल रिमेन पूर्ण। ना आपके मोक्ष होने से ही विल बिकम स्ट्रॉन्गर, ना आपके ह्यूमन बीइंग की तरह जन्म लेने से ही विल बिकम वीकर, बिकॉज पूर्ण से ही पूर्ण निकल रहा है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द मंत्र, कि दुनिया में कोई भी चीज अपूर्ण नहीं है। इनफैक्ट ये मंत्र का डीपर मीनिंग है, आज आपकी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो भी पूर्ण है। आज आपको कहीं पर कुछ चीज कोई सिचुएशन फेस होती है जिसको आपको लगता है फेलियर है, पर वो पूर्ण है। इट इज पूर्ण टू टीच यू द लेसन इट हैज टू टीच यू, इट इज पूर्ण टू गिव यू द लेसन दैट यू नीड टू इवॉल्व। आज आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है ये आपका डेफिनेशन है कि ये मेरे साथ खराब हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। कोई भी चीज खराब नहीं है दुनिया में और कोई भी चीज अच्छी नहीं है, एवरीथिंग इज पूर्ण, सब कुछ पूर्ण है। कोई सिचुएशन ना सुख की है ना कोई सिचुएशन दुख की है, एवरी सिचुएशन इज ऑफ कंप्लीट। उसी को कहते हैं जब आपकी बुद्धि समान हो जाती है, सामा बुद्धि, तभी समाधि लगती है। You have to start looking at everything as complete. जिस दिन आप अपने छोटे छोटे फेलियर, छोटी छोटी नेगेटिविटी, जिसको आप फेलियर बोल रहे हो, आप नेगेटिविटी बोल रहे हो, जिस दिन आप उसको भी पूर्ण देने लग जाओगे ना, जिसको भी आप पूर्ण की उपाधि देने लग जाओगे, you will start learning from it and you will start learning, you will start evolving. तो ये जो पूर्ण का मंत्र है, ये ultimate मंत्र होता है of self-realization. आज आप इस चक्र को खोलने के लिए, ज्ञान से चक्र खुलता है और रुद्राक्ष से चक्र खुलता है। आज आप रुद्राक्ष पहनोगे, इस चक्र के रुद्राक्ष हैं 16 मुखी, क्योंकि महामृत्युंजय शिवा जो है इस चक्र को गवर्न करते हैं। आज अगर आप बॉडी पे 16 मुखी पहनो, आप देखोगे आपका लोअर बैक पेन चला जाए, आपके बॉडी के पेन्स चले जाए, आपके मन में जो अननोन फियर्स है, वीकनेसेस है, दे आर अनकंडीशनली रिलीज्ड बिकॉज ऑफ वेयरिंग द रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कितना दिव्य है, जब महादेव ने अपने सारे क्रिएशन को दुखी होते हुए देखा, ही कुड नॉट टेक इट, तो ही क्राइड, व्हेन ही क्राइड कि आई अग्री कि मैंने क्रिएटर्स को जन्म दिया है,
बट आई कांट सी पीपल सफरिंग सो मच. आज आप आए तो सेल्फ रियलाइजेशन के हो, बट व्हाई आर यू सफरिंग? तो वो सफरिंग को देखते हुए उनके आंखों से जो आंसू निकले उनको कहते हैं रुद्राक्ष, उनके अक्ष, उनके आंसू. तो रुद्राक्ष में इतना पावर है कि अगर आप रुद्राक्ष को बॉडी में पहनते हो तो ऑटोमेटिकली ये चक्र जो है ये बैलेंस होता है. इसके रुद्राक्ष पहनने से आपके अंदर जितने भी फियर्स हैं, अननोन फियर्स हैं, सेल्फ डाउट है, नेगेटिविटी है, आप देखोगे अपने आप ही वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, वो पेन चला जाता है, वो दर्द चला जाता है. क्योंकि आज अगर हमने वी हैव चोजन टू टेक बर्थ, तो अगर हमने प्लेजर चुना है तो ये जो जीवन है इट इज मेड अप ऑफ टू अपोजिंग पोल्स. वी हैव नो चॉइस इन दैट. लाइट होगी तो अंधेरा होगा ही, सुख है तो दुख होगा ही, ईवल है तो गुड होगा, गुड है तो ईवल होगा, भगवान है तो दानव भी होंगे. तो बिकॉज वी हैव डिसाइडेड टू बी अ क्रिएशन वी हैव टू टेक बोथ द एस्पेक्ट्स. तो रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है कि जो भी ईवल एस्पेक्ट है हम उससे डिसोसिएट होना शुरू हो जाते हैं. तो इस चक्र के लिए आप सोडा मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हो. आज आपको लगता है कि आपका बच्चा है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आज आपको लगता है कि आपकी मदर है उसने कभी जीवन में अपनी आइडेंटिटी नहीं ढूंढी, हमेशा वो घर की ही सेवा करती थी, बट टुडे शी फील्स वेरी नेगेटिव बिकॉज उनका चक्र ब्लॉक हो चुका है. शी फील्स कि मैंने तो अपना जीवन पूरे परिवार को दे दिया बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज हर स्वादिष्टा वॉज ऑलवेज ब्लॉक. टुडे शी इज फीलिंग वेरी नेगेटिव. आप उनको सोलह मुखी पहने, आप उनको रुद्राक्ष, रुद्राक्ष पहनने में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो डू एंड डोंट्स. ना आपको वेजिटेरियन होना है, ना आपको किसी चीज का सेवन बंद करना है. इट इज अ नेचुरल फ्रूट ऑफ अ ट्री. रुद्राक्ष भी जब पेड़ से गिरता है तो जमीन में ही गिरता है, उसको कोई जानवर भी खा लेता है. तो अंडरस्टैंड इट इज जस्ट अ फ्रूट, यू जस्ट इट्स अ फ्रूट विद अ वेरी वेरी यूनिक फ्रिक्वेंसी. वॉट वी हैव डन इन रुद्र सेंटर इज जो मैंने रिसर्च किया और महादेव की कृपा से आई लर्न हाउ टू यूज रुद्राक्ष द करेक्ट. मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि रुद्राक्ष को कैसे यूज करते हैं जैसे कि चक्र खुल जाए. मुझे चक्र का ज्ञान भी रुद्राक्ष के द्वारा प्राप्त हुआ. व्हेन आई वाज स्टडिंग रुद्राक्ष आई रियलाइज हाउ दे वर्क ऑन चक्र एंड विद दैट आई लर्न ऑल अबाउट चक्र. मैं जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर करती हूँ इट इज नॉट फ्रॉम एनी बुक और एनी वेयर, इट इज स्ट्रेट फ्रॉम महादेव हिमसेल्फ. ही इज द फर्स्ट चक्र योगी. इन्होंने सारा जो मेरे को चक्र का ज्ञान है कि हर चक्र क्यों बैलेंस नहीं होता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, एवरीथिंग ही इज द वन हु हैज टॉट. और वो माध्यम था रुद्राक्ष. तो आप बॉडी पे रुद्राक्ष पहनो या बॉडी पे इस चक्र का जो मोती है, अगर आप मोती को पहनोगे तो आपका चक्र बैलेंस होता है. मोती को हमेशा कहा जाता है कि इसको बहुत गुस्सा आता है, इसके इमोशंस इसके कंट्रोल में नहीं है, तो लोग मोती पहनाते हैं. बट द रियल थिंग इज यू शुड नो हाउ टू वेयर द मोती एंड विच मोती टू वेयर. मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग कल्चर्ड पर्ल्स. अब कल्चर्ड पर्ल क्या है, उसके अंदर तो बीच में तो पूरा प्लास्टिक है. और मोती कैसे आपको एनर्जी देगा जब पूरी लाइट मोती के थ्रू पास होगी, तो कैसे पास होगी, बीच में तो प्लास्टिक है. तो लोग क्या करते हैं, कोई भी मोती उठाकर पहन लेते हैं एंड दे आर फीलिंग हाजी. तो नंबर वन, मोती ऐसा होना चाहिए जो अंदर से भी क्लीन हो, अंदर से भी मोती. तो मोती शुड बी रियल सबसे पहले टू आइडेंटिफाई. उसके बाद उसको सही तरीके से पहनना चाहिए. लोग मोती को कोई भी उंगली में पहन लेते हैं. अपन अंडरस्टैंड करो हर रत्न की एक अपनी उंगली होती है और ये आपके हिसाब से वो उंगली बनती है. जब आप हमारे पास कंसल्टेशन के लिए आते हो वी टेल यू हाउ टू वेयर इट. इसलिए हमारे पास आज इतने टेस्टिमोनियल्स हैं. आज रुद्र सेंटर के 33 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू स्लोली ओपन एंड एक्सपैंड मच मोर. जैसे जैसे हम लोग खुद अपने आप इवॉल्व हो रहे हैं वी आर गोइंग टू एक्सपैंड. बट बेसिकली हम सारे सेंटर्स में वी टेल पीपल हाउ टू वेयर द रुद्राक्ष एंड देन प्रॉपरली. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेदर वी नीड अ मोती और मोती लेना है तो कौन सा लेना है, कौन सा लेना तो कैसे पहनना है, हाउ यू शुड वेयर इट ऑन बॉडी. लोग मोती पहन लेते हैं लॉकेट की तरह पहन लेते, उससे और नुकसान करते हैं, उनका कोई और चक्र बंद हो जाता है. तो एवरीथिंग हैज गॉट अ पर्टिकुलर साइंस एंड अ पर्टिकुलर मेथड टू वेयर. उसको सही तरीके से पहनोगे एनी बडी कैन वेयर एनी जेमस्टोन एंड एनी बडी कैन वेयर एनी रुद्राक्ष.
भगवान ने हमको बहुत सारे गुण दिए हैं। आज आप सुदर्शन गायत्री करोगे डेली तब भी चक्र खुलेगा, कृष्ण की पूजा करोगे तब भी चक्र खुलेगा, महामृत्युंजय का जाप करोगे तब भी चक्र खुलेगा, चंद्र का जाप करोगे ओम आय क्लीम सुमाय नमः तब भी चक्र खुलेगा। बहुत सारे मेथड्स हैं टू ओपन द चक्र। कुछ लोग ऑरेंज लाइट का मेडिटेशन करते हैं तब भी चक्र खुलेगा। और आपको पता है जितने भी ऋषि मुनि योगी कौन से रंग के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी जीते हैं। दे टेल यू आई हैव डिस्कवर्ड हु आई एम, सो दे वेयर ऑरेंज क्लोथ्स। मुझे पता लग गया है कि मैं कौन हूं। जो जो लोग एनलाइटन हो जाते हैं दे रियलाइज देयर ट्रू आइडेंटिटी। Understand, enlightenment is not limited to Rishi and Muni. Every single person who has achieved his career goals, who has achieved success in his path, it could be writing a book, it could be inventing something in the world, it could be in politics. Any person in the world who has discovered his identity will have Swadhisthan Chakra open. I'm wearing an orange dress means I'm searching for my identity, or I have discovered my identity, or my identity is my only aim in this world. आप जो लोग अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, पुराने जमाने में तो बहुत लोग छोड़ते थे संन्यास के लिए, तो जो लोग संन्यास ले लेते थे वो ऑरेंज ड्रेस क्यों पहनते थे? वो कहते थे मुझे तो अपने स्वादिष्टान को ही खोलना है, I want to find who I am. They used to go away to discover their identity. So, orange जो चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, it is a chakra which helps you to find who I am.